योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब पावर ऑफ अटॉर्नी पर रजिस्ट्री की तरह स्टाम्प शुल्क देना होगा। केवल परिवार के सदस्य आपस में 5,000 रुपए शुल्क पर मुक्तान नामा कर सकेंगे। योगी सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी। जिले में 3 और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके अफसर जाएंगे बाहर। अखिलेश यादव से आज लखनऊ में मिलने आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केंद्र के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। हर लोकसभा से होकर गुजरेगा समाजवादी पार्टी का रथ। प्रशिक्षण शिविर के जरिए सपा तैयार कर रही रणनीति। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी कर रही तैयार रणनीति। अखिलेश यादव ने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की। गाजियाबाद में ओवरब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मुंबई से आइडिया लेकर कूड़ा पार्किंग की जगह बनाए क्रिकेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट। प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर बनेंगे आधुनिक बस स्टैंड। 5 बस स्टेशनों के निर्माण का काम 2 कंपनियों को भी मिला। लखनऊ में विभूतिखंड, प्रयागराज में सिविल लाइन्स, आगरा में आगरा फोर्ट और बस स्टैंड का निर्माण होगा। 18 अन्य बस स्टेशनों के लिए मांगी जाएगी निविदा। माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड की सुनवाई आज। शूटर्स की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने की SIT करेगी मांग। माफिया मुख्तार अंसारी के 2 मामलों में सुनवाई आज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मऊ के MP MLA कोर्ट में पेशी। विधायक निधि दुरुपयोग और असलहा लाइसेंस संस्तुति का केस। कानपुर के चौबेपुर में बियर से लदा ट्रक पलटा। गांव के लोग और राहगीर लूट ले गए बियर। ट्रक में फंसे ड्राइवर और कंडक्टर को किसी ने नहीं बचाया। UP में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। फिर तेजी से बदलेगा मौसम, कई शहरों में बारिश की संभावना। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।